बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं मोहम्मद अदनान ट्रैवल एंड वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा कि आप लोग किस तरह अपने घर में बैठ कर ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस की मुख्तलिफ कैटेगरी होती है, मतलब मुख्तलिफ अकसाम होती है, जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आज मैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा कि आप लोग किस तरह ट्रैवल इंश्योरेंस अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं डिटेल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली फ्रेंड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस वीज़ा जब आप लोग अप्लाई करते हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके बगैर आपका फाइल कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इसी तरह यूरोप, शेंजन कंट्रीज या टर्की, थाईलैंड, मलेशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, इसके बगैर आपका अप्लाई इनकम्प्लीट होगा। फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि ये एक अहम डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते। सबसे पहले आप लोग गूगल पर प्रेस करके ओपन कीजिए। फ्रेंड, जब गूगल ओपन हो जाए तो आप लोग लिख लें स्मार्ट चॉइस इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट चॉइस का जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक वेबसाइट है ये फर्स्ट नंबर पर है, ये आप लोग देख लीजिए smartchoice.pk। तो फ्रेंड्स, इन पर मैं राइट क्लिक कर न्यू टैब ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, स्मार्ट चॉइस एक वेबसाइट है और जिसमें मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये आप लोग ऑनलाइन भी इनसे परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसका हेल्पलाइन नंबर ये है, आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोग अपने अकाउंट भी बना सकते हो, अगर अकाउंट नहीं बनाते हो तो फिर भी इसके बगैर भी अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करा सकते हो। इसका ये व्हाट्सअप नंबर है, ये भी मौजूद है। इसके साथ ये मुख्तलिफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस आप लोग देख सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस COVID-19 का कवर करती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह फीचर इसमें मौजूद है फ्रेंड्स। लेकिन हमारा काम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि हमारा काम ट्रैवल के रिलेटेड होगा, मतलब अगर आप लोग किसी मुल्क के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस मांग दिया जाता है तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह आकर डायरेक्ट ये जो इंश्योरेंस है ट्रैवल इंश्योरेंस, इन ऑप्शन पर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्लिक कर दिया ट्रैवल इंश्योरेंस इन मिनट, मतलब इसका यही है कि आप लोग जब ये सारा कुछ कंप्लीट कर दो तकरीबन एक घंटा के अंदर अंदर आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ईमेल के थ्रू मौसूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम डायरेक्ट आकर ये आप लोग देख ले कंट्री ट्रैवलिंग टू, मतलब आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसमें आया है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे टॉप में आया है शेंजन कंट्रीज, जिसमें 26-27 कंट्रीज आता है। तो इसके बाद है USA एंड कनाडा के लिए करते हो, वर्ल्ड वाइड करते हो, हज उम्रे के लिए करते हो, ज़ियारत, इसी तरह और भी बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मुझे टर्की के लिए करना है, टर्की के लिए, तो मैं लिख लूँगा तुर्की। तो फ्रेंड्स, जब मैंने तुर्की लिख लिया तो तुर्की डायरेक्ट फाइंड आउट हो गया है। तो इन पर अभी मैं प्रेस करता हूँ। अभी डेट आ गया फ्रेंड्स कि आपको कौन सी तारीख पर, मतलब कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख को करना है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, मेरा जो डिपार्टिंग ऑन है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर प्रेस कर दिया। तो अभी मैं इस तरह करता हूं कि मुझे 1 फरवरी, मतलब मेरा जो डिपार्टिंग 1 फरवरी से इंश्योरेंस स्टार्ट होगा। और अभी रिटर्न का डालूंगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। प्रीवियस बैक जाकर 10 फरवरी करूंगा, मतलब वो जो डिपार्चर डेट होगा, जो स्टार्ट होगा इंश्योरेंस 1 फरवरी 2021 से होगा, और मेरा ख़त्म जो रिटर्न होगा, मतलब जिस तारीख पर ख़त्म होगा वो 10 फरवरी 2021 होगा। और इसके सामने इंडिविजुअल है, तो आप लोग अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हो, आपके साथ 2-3 बच्चे हो, तो फिर ये भी करा सकते हो। उसकी हर बच्चे की अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मतलब आप लोगों को लिखना होगा। अगर आप इंडिविजुअल हो, एक बंदा हो, तो आप लोग इंडिविजुअल पर प्रेस कीजिए और इसके साथ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ के सामने इन पर मैंने जब प्रेस कर दिया तो ये मुख्तलिफ ईयर और डेट्स आ गए। तो अभी मैं जो ईयर है इन पर मैं प्रेस करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, आप लोग अपने लिहाज से कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ फ्रेंड्स के 1990 और जनवरी
वन फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कि 1 जनवरी 1990 मेरा हो गया। फ्रेंड्स अभी मैं प्रेस करूंगा तो मुख्तलिफ ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनी मुझे अभी अपना अपना पैकेजेस दिखा देंगे कि ये पैकेज हमारे साथ मौजूद है। तो इन पर मैं अभी सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए अभी सर्चिंग कर रहा है और मुख्तलिफ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी मुझे दिखा रहा है। फ्रेंड्स आप लोग देख ले ये आ गया है UIC आ गया है। तो ये वाला कंपनी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है, ये कवर करती है COVID-19, मतलब ये भी इसमें लेटेस्ट फीचर आया है कि ये भी इनको कवर करता है। और ये मेरे डिपार्टिंग ऑन है 1 जनवरी 2021 और रिटायरिंग ऑन है 10 फरवरी 2021 के साथ। ये आप लोग देख ले ट्रैवल टू टर्की पैसेंजर ट्रैवलिंग इंडिविजुअल आ गया, मतलब एक बंदा जा रहा है। तो नीचे फ्रेंड्स आकर आप लोग देख लीजिए इसकी जो प्राइस है प्रीमियम, तो ये 2185 रुपये आ गया है एक बंदे के लिए। और ये आप मेडिकल कवर करता है $50,000, मतलब कवर करता है 10 दिन के लिए है फ्रेंड्स। और इसके साथ अगर आपका कोई खुदा ना खास्ता बैग वगैरह लॉस हो जाए एयरपोर्ट या जहाज़ में तो $400 इसके दिए जाएंगे। अगर आपका फ्लाइट डिले हो गया तो $500 इसके दिए जाएंगे। और COVID-19 के लिए $50,000 USD, मतलब $50,000 है ना, मतलब का कवर करेंगे COVID-19 के लिए। तो इसके नीचे अगर मैं आ जाऊं तो ये और भी है UBL, इसी तरह शेंजन कवर करती है बेसिक को, ये 1750 रुपये है, ये एक दूसरा कंपनी है। इसी तरह नीचे आकर सफ़र आसान शेंजन प्लस, ये एक और कंपनी है COVID-19 का टेस्ट कवर था, इसका भी कीमत है 1750 रुपया। और ये भी इसी तरह मतलब $50,000 USD कवर करती है 10 डेज के लिए है, COVID-19 भी कवर करता है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ये सारा कुछ है। ये अस्करी वाला का है, अस्करी का आप लोग देख लीजिए भी उसी तरह का है, ये 1764 रुपया का है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियाँ मौजूद है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। EFU वाला भी है, ये भी उसी तरह का है, ये 14 डेज के लिए है और $50,000 USD कवर करती है, ये 2000 का मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं सबसे टॉप में जाऊंगा, ये वाला जो है ना UIC वाला, ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये कंपनी जो है ना ये बहुत ट्रस्टफुल और रीजनेबल भी है। तो फ्रेंड्स अभी जो इसकी डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं मोर डिटेल पर प्रेस करता हूँ तो आपको सारा डिटेल आप आएगा जी। मेडिकल बेनिफिट्स ये आपको मिल जाएंगे जिस तरह मैंने बताया है पहले, और ट्रैवल बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे जिस तरह मैंने बताया था फ्रेंड्स। तो अभी मैं हाइड डिटेल करूँगा और बाय नाउ के ऑप्शन पर प्रेस करूँगा। फ्रेंड्स अभी पर्सनल डिटेल आ गई, फर्स्ट नेम में मैं अपना फर्स्ट नाम डालूंगा मोहम्मद, लास्ट नेम में मैं डालूंगा अदनान। अभी CNIC आ गया, तो फ्रेंड्स अभी मैं अपना CNIC डालता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने कोई अर्जी सा CNIC डाल दिया। फ्रेंड्स अभी शनाख्ती कार्ड का जो इशू डेट है ना वही डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि मेरा शनाख्ती कार्ड 2020 जनवरी 2020 में मुझे इशू हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने डाल दिया कि 1 जनवरी 2020 को मेरा NIC इशू हुआ है। फ्रेंड्स अभी इसके नीचे तरह मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ वही मैंने इब्तदा ही में डाला था, तो 1 जनवरी 1990 आ गया, मतलब मैंने पहले से ही डेट ऑफ बर्थ डाला था। तो अभी ये 30 साल मुझे शो कर रहा है कि आप 30 साल के हो। अभी फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट नंबर की बारी है, राबिता नंबर, तो अभी कॉन्टेक्ट नंबर डालूँगा फ्रेंड्स 03119529159। तो ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। फ्रेंड्स पर्पस ऑफ विजिट आ गया, तो मतलब आपके दौरे का क्या मकसद है। तो ये जो मुख्तलिफ इसमें कैटेगरी है, बिजनेस, एजुकेशनल, हॉलीडेज़, ऑफिशियल वगैरह वगैरह, तो मैं जो लेजर है इन पर प्रेस करता हूँ कि सैर सपाटे के लिए जाता हूँ, मतलब मैं टूरिज्म के लिए जाता हूँ। अभी फ्रेंड्स ईमेल की बारी है, तो अभी मैं अपना ईमेल डालूंगा imadnanxan270@gmail.com। फ्रेंड्स आप लोग फ्रेंड्स बरए मेहरबानी आप लोग इन ईमेल एड्रेस के साथ बहुत एहतियात कीजिए। एक मतलब मेरा बात करने का मतलब यही है कि जो भी डेटा आपको डालना होगा बहुत सोच समझ के डाल दीजिए, क्योंकि इस ईमेल के थ्रू आपको ये मतलब इंश्योरेंस मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। फ्रेंड्स अभी पासपोर्ट नंबर डालना होगा, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे फ्रेंड्स इनके साथ जो भी डेटा पुट करोगे दर्ज करोगे तो बहुत एहतियात के साथ मतलब दर्ज कीजिए, एक हिंसा भी गलत ना हो, एक वर्ड भी गलत ना हो। फ्रेंड अभी पासपोर्ट मैं लिख लूँगा www.1400555। ये मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस डालूंगा, तो रेजिडेंशियल एड्रेस में मैं अपना घर का जो एड्रेस है वही डाल, आप लोग भी इसी तरह कीजिए। हाउस नंबर 20, स्ट्रीट नंबर 10,
पेज नंबर 5 हयातबाद प्रिंस। अभी सिटी आ गया है तो पाकिस्तान में जो भी आपका सिटी हो, मेरा जो सिटी है ये पेशावर है, मैंने पेशावर कर दिया प्रिंस। अभी नेक्स्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो प्रिंट जिस तरह मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस कर दिया तो ये मुझे अभी दिखा रहा है बेनिफिशियरी डिटेल। इसका मतलब है कि बेनिफिशियरी इज़ अ क्लोज रिलेटिव सच एज अ फादर ब्रदर स्पाउस ईटीसी। मतलब बेनिफिशियरी वो लोग होगा कि आपका जो भी कोई खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट या कोई डेथ वगैरह हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके जितने भी पैसे वगैरह जो भी आपका बेनिफिट्स होंगे तो आपके वरसा को दिया जाएंगे। तो इसमें आप अपना फादर का नाम भी डाल सकते हो, अपना भाई का नाम भी डाल सकते हो और अपने बीवी बच्चों का भी नाम डाल सकते हो। तो वो जिन शख्स का आप नाम डालोगे तो फिर वो आपका जितने भी बेनिफिट्स होंगे तो उन शख्स को सिर्फ मिलेंगे। नेम में मैं अपने भाई का नाम डालूंगा मोहम्मद, लास्ट नेम मेरे भाई का जो नाम है वही डालूंगा कामरान, मोहम्मद कामरान डाल दिया। रिलेशन आ गया कि आपका क्या रिलेशन है, तो मैं डालूंगा ब्रदर। अभी उसका CNIC नंबर डालूंगा फ्रेंड्स, तो मैं डालता हूँ 1715067 55 43। तो फ्रेंड्स ये मैंने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया। आप लोग भी इसी तरह अपनी भाई या अपनी जो भी पदर मदर जो भी होगा उनका शनाख्ती कार्ड नंबर इसी तरह डाल दीजिए। उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूँ फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मैं कोई फर्जी टेक्ट नंबर डालूंगा मोबाइल का 03111767888554। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अभी वही के वही एड्रेस डालूंगा, नंबर हाउस नंबर 20 स्ट्रीट नंबर 10 पेज नंबर 5 हयातबाद। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट का जो ऑप्शन है तो इस पर अभी मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख ले रिव्यू इन्फॉर्मेशन, तो आपका जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये आपने जो डाले हैं ये आप लोग रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि आया ये आपने सही डाला है कि नहीं, गलत डाल दिया है। अगर आपने कोई गलती से कोई गलत आंसर डाला है या कोई गलत डेटा डाला है तो इन एडिट के ऑप्शन से अभी भी आपके साथ चांस है और टाइम है कि इनसे आप लोग एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला है ये सही है, तो अभी प्रोसीड के ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ। फ्रेंड्स अभी ये पेमेंट की तरफ चला गया कि आप कौन से तरीके से पेमेंट करना चाहते हो, तो इनमें मुख्तलिफ बैंक ट्रांसफ़र इससे भी पेमेंट अपना करा सकते हो वगैरह वगैरह, तो मुख्तलिफ मतलब पेमेंट की ऑप्शन मौजूद है। तो लिहाजा मैं जो है ना मैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वीज़ा का मास्टर का जो कार्ड है उनसे कराना चाहता हूँ, तो इन खाने में मैं टिक करूँगा फ्रेंड्स और नेक्स्ट की जो ऑप्शन है इन पर प्रेस करूँगा। फ्रेंड्स आप लोग देख लें ये सेलेक्ट पेमेंट मेथड आ गया, मतलब ये तो मैंने ऑलरेडी किया है, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मैंने डाला है। तो यहाँ पर जो मेरा कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो मतलब नंबर है तो इनमें आप लोगों मतलब आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर 16 हिंसों का डिजिटल नंबर होगा, तो आप लोग वही डाल दीजिए इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं 16 डिजिट का नंबर डालूंगा जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर 16 हिंसों का कार्ड नंबर होगा, वही इधर डाल दीजिए। सही सही एक हिंसा भी गलत नहीं होना चाहिए, तो मैं डालता हूँ कोई फर्जी सा नंबर 40756900000000। तो फ्रेंड्स ये मैंने जब डाल दिया तो ये डायरेक्ट इन्होंने स्कैन कर दिया और ये इधर डायरेक्ट आ गया कि आपका जो कार्ड का जो टाइप है ना फ्रेंड्स ये वीज़ा कार्ड है। ये आप लोग मतलब ये देख लीजिए, ये वीज़ा कार्ड मुझे दिखा दिया। अगर आप लोगों के पास मास्टर का कार्ड हो तो मतलब इधर मास्टर दिखाएगा। अभी मैं कोई फर्जी सा CVV कोड 3 हिंसों का देता हूँ 232 मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। अभी मंथ डालूंगा तो मंथ आप लोग इसी तरह डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी लिखता हूँ तो 01 कीजिए, अगर फरवरी लिखते हो तो 02 कीजिए, अगर मार्च लिखते हो तो 03 कीजिए, इसी तरह लिखे हुए 2 डिजिट में लिखोगे। अभी मतलब ये इन्होंने आपको दिखा दिया है कि इसी तरह लिखना होगा। अभी ईयर मैं डालूंगा तो मैं ईयर डालता हूँ 2025 में, 2025 में ये एक्सपायर होगा। फ्रेंड्स नीचे कंट्री है तो आप लोग इन पर क्लिक कीजिए और PAK लिख ले तो डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाएगा। फ्रेंड्स इधर कॉन्टेक्ट नंबर है तो मैं अभी मोबाइल का नंबर अपना लिखता हूँ, कोड तो ऑलरेडी मौजूद है +92311, ये मैंने मोबाइल का नंबर है 3115291159। एंटर ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा तो आप लोग भी अपने लिहाज से कीजिए, एम अदनान खान 270
@gmail.com। तो फ्रेंड्स, आप लोग इनके साथ बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको एक घंटे के अंदर अंदर मतलब एक घंटे से भी कम आपको ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा, फिर वहीं से प्रिंट लेकर आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इधर अपना नाम डालूंगा प्रिंट, इंटर योर नेम, इंटर नेम तो मैं डालता हूँ, मतलब आपके कार्ड पर जो जिसका नाम होगा वन उन्हीं का, आपके कार्ड के ऊपर जिनका नाम होगा, अगर आपका अपना है तो अपना डाल दीजिए, अगर अपना नहीं है भाई का है तो उसका डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं डालता हूँ यहाँ पर अपना नाम मोहम्मद अदनान। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख ले, टाइम लेफ्ट टू टाइम आउट, इसका मतलब है फ्रेंड्स के ये पहले 10 मिनट था और ये सेकंड है, तो मतलब आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आपने खुदा ना खास्ता कंप्लीट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा रिन्यू आप ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तो ये आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ मेरा जो अमाउंट है 2185 रुपया, ये है फ्रेंड्स, ऑर्डर आईडी मेरा यही है फ्रेंड्स, और ये डिस्काउंट भी मुझको मिल चुका है, और ये वगैरह अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट ये बन गया, मतलब 328 रुपया उन्होंने मुझे डिस्काउंट कर दिया, और अभी जो है ना 1857 रुपया मुझे पे करना है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स, अगर मैं पे की ऑप्शन पर प्रेस करूँगा तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड नंबर डाला है तो इसी से इतना अमाउंट काट दिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, अगर पे की ऑप्शन पर प्रेस करूँगा तो मेरे अकाउंट से इतने पैसे काट दिए जाएंगे, और मुझे इन ईमेल एड्रेस के थ्रू मुझे एक घंटे के अंदर अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना मुझे भेज दिया जाएगा, ये जिस जो ट्रैवल कंपनी वाला है मैंने जो डाला था उन्हीं से मुझे ये ट्रैवल इंश्योरेंस एक घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना, परचेस करना का तरीका सारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसका वेबसाइट का जो मुतल्लिका लिंक है, जो रियल लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग वहीं से उठाकर मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।